ये यानी कि एक क्लियर मैसेज है क्या हरियाणा में? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. जब मैं ये कहूंगी तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. हुड्डा सरकार अब की बार, और ये तय है हरियाणा के गलियारों में कि भाई हुड्डा जी अगर बन गए कांग्रेस, कांग्रेस आ गई तो हुड्डा मुख्यमंत्री. राजस्थान में सचिन बहुत बड़े पॉपुलर है, हमारे को वो प्यारे लगते हैं, वो हमारे राजेश के बेटे हैं वो, लेकिन उनके साथ एमएलए नहीं थे भाई, एमएलए नहीं थे. और ये रविंद्र इतना है यानी कि जी बिल्कुल. नमस्कार गरिमा जी, देखिए बिल्कुल सही बात है कि आज के जो हालात हैं कांग्रेस पार्टी के बहुत पक्ष में माकूल बहुत इलेक्शन था धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पोरस के हाथियों के झुंड की तरह बिहेव करती है, मुझे लगता है इन्हीं कांग्रेस को देख के किसी ने कहा होगा कि अब कोई दोस्त ही मुकाबले में लाओ हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला. बीजेपी कमजोर पार्टी थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आपस में सिर्फ उठावल करती हुई दिख रही है, उससे मुकाबले में लेके आ रहे हैं अपने सामने वाले पक्ष को. माहौल बहुत बीजेपी के खिलाफ था, एंटी इनकम्बेंसी थी. और विनोद सर ने जो बात कही है कि 9.5 बरस के मुख्यमंत्री इतने जबरदस्त सुशासन जिसने दिया, वो मिस्टर इंडिया बन गए हैं. उनको ढूंढने जनता ढूंढ रही है, वो दिखाई नहीं दे रहे, फुटप्रिंट विदाउट फीट हो गए. वो तो इतना जबरदस्त रैली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं नजर आए, उनके फोटो तक लगाने में बीजेपी को दिक्कत हो रही है. और ऐसी स्थिति इतने बढ़िया माहौल में भी कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ रही है. अब देखिए कैसा गजब का माहौल है. कैप्टन अजय यादव विरोध कर रहे हैं, शैलजा विरोध कर रही हैं, और रणदीप सुरजेवाला ने खुल के आज बात बोली दी है. तो बिल्कुल माहौल उनके पक्ष में था. भूपेंद्र हुड्डा की पहले दिन से चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है. टिकटों के बंटवारे में उनकी चली, कैंपेन की स्ट्रेटेजी प्लान वो कर रहे हैं. और ये जितने भी 7 गारंटी दी गई है ना, जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी कांग्रेस ने अपने हेड ऑफिस में जारी की है, ये तो भूपेंद्र हुड्डा 3 साल से अपने समर्थकों को बोल रहे हैं. 4 मुख्यमंत्रियों वाली बात तो रोहतक के एक सम्मेलन में बोल के आ गए हैं. तो ये तमाम जी 4 उप मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, 4 उप मुख्यमंत्री वाली बात तो कितने दिन से बोल रहे हैं. पूरा जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी है उसके इस कैंपेन को भूपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे हैं, उनके कहने से टिकटें बांटी जा रही हैं, और बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत जरूर हैं. और हालांकि इस जो पूरा सिर्फ उटव्वल दिख रहा है गरिमा जी, हमने पहले भी चर्चा की थी, इससे दलित वोट कंसोलिडेट हो रहा है, वो शैलजा के पक्ष में कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ भाई की पार्टी में शैलजा के कद के बराबर की दलित नेता कोई है ही नहीं. जैसे कि बीजेपी, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्ट्राडिक्शन है रविंद्र, कि अगर वो दलित वोट, जैसा शैलजा ने आज कहा, जिसके पास सत्ता उसके पास सेंट्रलाइजेशन हो जाता है पावर, जिसके पास पावर है उसके साथ सेंट्रलाइज हो जाती है सत्ता भी. तो अगर शैलजा मुख्यमंत्री बनती हुई नहीं दिखेंगी तो वो दलित वोटों का कंसोलिडेशन तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. बिल्कुल, इसीलिए तो वो बार बार कह रही है ना कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है. वो अपना दावा मुख्यमंत्री के पद से कम कर ही नहीं रही है. वो कह रही है कि मेरा पार्टी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो ये तो नहीं कह रही ना कि प्रदेश नेतृत्व से विरोध नहीं है. वो ये बात लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी उनकी बनी हुई है और उसका फैसला हाईकमान करेगा. इसलिए यही तो बात है, जब तक मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी नहीं करेंगे हरियाणा में, तब तक लीड लोग आपके साथ नहीं जुड़ते. अगर आज शैलजा सरेंडर कर देंगी कि मेरा नेता भूपेंद्र हुड्डा है, तो लोग उनके साथ नहीं जुड़ेंगे. और यही कश्मकश लगातार लड़ाई यही चलती रही, अशोक तंवर के साथ भी यही लड़ाई चल रही है आज की तारीख में. जब तक शैलजा, जब तक कैप्टन अजय यादव अपने अपने क्षेत्र में भूपेंद्र हुड्डा का विरोध करते हुए नहीं दिखेंगे, तब तक उनके समाज के लोग उनके साथ कंसोलिडेट नहीं होंगे और कांग्रेस पार्टी को उसका लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए इस तरह के कभी भी विरोध को कांग्रेस शांत करने की कोशिश करती नहीं है, और इनको अपने अपने स्पेस में, अपने अपने इलाके में मजबूत होने का रास्ता देती रहती है. देखिए रणदीप सुरजेवाला तो बयान नहीं दे रहे, रणदीप सुरजेवाला तो क्योंकि उसी पक्ष से आते हैं जिससे भूपेंद्र हुड्डा है, वो तो इस तरह के बयान, नाराज हो गए, गुस्सा कर रहे हैं, मेरे को सीट कम मिली, उन्होंने तो नहीं कहा. केवल शैलजा कह रही हैं, क्योंकि शैलजा का वोट बैंक भूपेंद्र हुड्डा के वोट बैंक से मुख्तलिफ है, और अपने अपने वोट बैंक को मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ तभी लेके आया जा सकता है जब दोनों लोग मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होंगे. नहीं, लेकिन ये जो परसेप्शन है भाई शैलजा नाराज है, शैलजा को कुछ मिलेगा नहीं, भाई टिकट बंटवारे में नहीं मिला, मैनिफेस्टो जब प्लान हुआ, मैनिफेस्टो प्रिपेयर हुआ तब नहीं मिला, उल्टा गालियां कुछ और दे दी गई. तो ये तो एक परसेप्शन बिल्डिंग का भी खेल है क्या, जो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है उसमें सक्सीड होगी कुछ थोड़ी बहुत बीजेपी? देखिए परसेप्शन बिल्डिंग का खेल बिल्कुल है, वो अखबारों में और
मीडिया हाउसेज की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन जनता पर उसका असर दिख नहीं रहा है। जब हम लोग यहाँ पर असर नहीं है अब